2013 में 12 में पार्टी बनाई थी, 12-13 में जब शाम को टीवी डिबेट्स पे बैठता था तो सैकड़ों बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने ताना दिया था, अरे तुम लोग हो क्या, चार आदमी पार्टी हो। आज 1500 जनप्रतिनिधि पार्टी है, दो सरकार वाली पार्टी है, 10 सांसदों वाली पार्टी है, विधायकों वाली पार्टी है, मेयर्स वाली पार्टी है, प्रधानों वाली पार्टी है। मजा आ गया आज। 20 राज्यों में 1500 जनप्रतिनिधि, मात्र 10 साल के अंदर अंदर जिसको लोग 2012 में अरविंद केजरीवाल जी को समझाते थे, केजरीवाल जी शुरू में तो दो विधायक भी आ जाएं तो चिंता मत करना, हिम्मत मत हारना, उन्हीं केजरीवाल जी के बोए हुए बीज आज देश भर में पौधे बन के निकल रहे हैं। आपके सामने दो तरह की राजनीति है, आज देश के सामने दो तरह की राजनीति है। पहली राजनीति वो है जहां नेता, नेता के नेता, नेता के कार्यकर्ता सारे मिलके केवल एक नेता को नंबर वन बनाना चाहते हैं और चाहते हैं वो नेता अपने दोस्तों को नंबर वन बना ले। उसका एक ही मकसद है, उनका केवल एक ही मकसद है कि मेरा नेता नंबर वन बन जाए, और जब मेरा नेता नंबर वन बन जाएगा तो अपने दोस्तों को नंबर वन बनाएगा, उनका एक ही मकसद है। और एक तरफ हमारे पीछे तस्वीर है, अरविंद केजरीवाल जी की तस्वीर है, इनकी आंखों में केवल एक ही सपना है कि मेरा भारत दुनिया का नंबर वन देश कैसे बने। मैं उनका दोस्त हूं, यहां बैठे हुए बहुत सारे लोग इनके दोस्त हैं, पिछले 20 साल से मेरी दोस्ती है उनसे, यहां बैठे हुए बहुत सारे लोगों की उससे भी ज्यादा समय से दोस्ती है उनसे। और जो लोग राजनीति में नहीं है उनके साथ पढ़े लिखे थे, गांव में खेले होंगे, नौकरियां की होंगी, बहुत सारे दोस्त हैं, लेकिन 20 साल से मैंने कभी अरविंद केजरीवाल जी की आंखों में अपने किसी दोस्त के लिए सपना नहीं देखा, केवल देश के लिए सपना देखा है। और आज यहां जो लोग बैठे हैं, और जो लोग यहां बैठे हैं वो जिन लोगों ने उनको चुन चुन के भेजा है, आप लोगों को चुन चुन के यहां भेजा है, उन लोगों की आंखों में जिन्होंने आपको चुना है और यहां चुने हुए लोगों की आंखों में भी वही सपना है जो अरविंद केजरीवाल जी की आंखों में दिखाई देता है कि हमें देश को नंबर वन बनाना है। कोई प्रधानी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई पार्षदी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मेयरशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई विधायक की और सांसदी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मंत्री और उप मुख्यमंत्री इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल और केवल देश इंपॉर्टेंट है, देश को नंबर वन बनाना। जो हमारे भाई ने महाराष्ट्र से आज बोला कि मैं तो जंतर मंतर से चला था आपके साथ, उसके बाद आपसे कभी मुलाकात नहीं हुई, अपने गांव में चला गया, प्रधानी का चुनाव लड़ा, आज मैं गांव का सरपंच हूं और सरपंच होके मैंने महाराष्ट्र के अपने गांव को नंबर वन बना दिया है, ये वो इंपॉर्टेंट नहीं है आदमी के रूप में, हम इंपॉर्टेंट नहीं है, हमसे उन्होंने मिलने की कोशिश भी नहीं की। बहुत सारे लोग आते हैं, आप पहचान नहीं रहे हो, जंतर मंतर पे पानी हम ही पिलाते थे आके, आज नेता बन गए हो इसलिए सुन नहीं रहे हो, आज हमारे ठेके नहीं दिलवा रहे हो, आज हमको ये पद नहीं दे रहे हो, नहीं उन्होंने कुछ नहीं बोला आके, बोले मैं तो आपसे मिला भी नहीं, गांव में चला गया, जाके मैंने अपने गांव को नंबर वन बना दिया। अपने अपने विधानसभा को नंबर वन बनाना, अपने अपने वार्ड को नंबर वन बनाना, इसी की लड़ाई है सारी, यही आम आदमी पार्टी की राजनीति है, यही आम आदमी पार्टी का सपना है, हम सब इसी पे काम कर रहे हैं। एक और चीज मैं बोलूंगा, आज आपके सामने दो तरह के नेता दिख रहे हैं, एक तो सपने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, संघर्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लीजिए, आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यह बात तो मोदी जी भी मानेंगे कि जिस फसल को काट के मोदी जी प्रधानमंत्री जी बने हैं वो फसल मोदी जी ने नहीं बोई, 20-20, 25-25, 50-50 साल पहले, 100 साल पहले संघ के कार्यकर्ताओं ने बोई थी, भारतीय जनता पार्टी के कई पीढ़ी के नेताओं ने बोई थी, और उसके बाद आज जाके प्रधानमंत्री बने मोदी जी। मोदी जी की बोई हुई फसल नहीं है वो जिसको वो काट रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपनी बोई हुई फसल नहीं काटी कभी, इस देश की आजादी के आंदोलन में शहीद भगत सिंह और गांधी जी और तमाम लोगों ने जो फसल बोई कांग्रेस उसको काटती रही, आज मोदी जी दूसरी फसल काट रहे हैं,
केवल अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता हैं जो आंखों में देश को नंबर वन बनाने का बीज डाल रहे हैं और उसकी फसल को उगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को मानते हो कि नहीं मानते? आज केवल देश में अरविंद केजरीवाल जी एक नेता हैं जो एक नई फसल बो रहे हैं देश को नंबर वन बनाने की, राजनीति खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, विधायक, पार्षद, सांसद सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये फसल क्या है? ये कोई पुरानी फसल नहीं है जिसको अरविंद केजरीवाल जी काटने आ गए हैं। गांव गांव में, शहर शहर में बीज बोया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी बीज बो रहे हैं और फसल जनता काट रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने बीज बोया तो महाराष्ट्र के उस गांव में फसल काट रही है ना जनता। अरविंद केजरीवाल जी ने बीज बोया तो आज पंजाब के बच्चों को शानदार एजुकेशन मिलने का रास्ता साफ हो गया ना। अरविंद केजरीवाल जी ने बीज बोया तो पंजाब के लोगों के घरों में बिजली के बिल इस महीने से जीरो आने लगे ना। दिल्ली के लोगों के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं ना। ये अरविंद केजरीवाल जी की बोई हुई फसल है, ये हमारे लीडर की बोई हुई फसल है। यहां फसल अरविंद केजरीवाल जी बो रहे हैं, मेहनत अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, हम सब लोग मिल के पसीना बहा रहे हैं और फसल कौन काट रही है? जनता। जनता के बिजली के बिल जीरो आ रहे हैं। कल ही मैं और अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, एक सम्मेलन में थे बच्चों के। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ऐसे ऐसे बच्चों का आईआईटी में एडमिशन हुआ है, एम्स में, नीट में पास हुए हैं। यहां किसी फैक्ट्री में, चप्पल बनाने की फैक्ट्री में डेली वेजेस का वर्कर का लड़का आज आईआईटी में जा रहा है। जिस लड़के के मां बाप 10 साल पहले डेथ हो गई, उसका बड़ा भाई 8,000 रुपए की नौकरी करता है, किसी दिहाड़ी मजदूर के साथ 7-8,000 रुपए कमाता है, लेकिन उसने अपने भाई को पढ़ाया, अरविंद केजरीवाल जी ने सुविधाएं दी, आज वो नीट में जाके डॉक्टर बनने जा रहा है। ऑटो चलाने वाले का इस बार दिल्ली के 1100 बच्चों ने नीट और जेई का एग्जाम पास किया है, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले, और अब पंजाब में शुरू होगा। मैं देख रहा हूं हमारे विधायक बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे मंत्री जी बहुत मेहनत कर रहे हैं लगातार। मैं रोज उनको देखता हूं किसी न किसी स्कूल में, हरजोत भाई बैठे होते हैं, टीचर्स से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। शुरू हो गया पंजाब में भी, शुरू हो गया, मोहल्ला क्लिनिक बनने शुरू हो गए पंजाब में, बिजली के बिल आने शुरू हो गए। ये राजनीति है जिसमें जनता फसल काटती है, वो राजनीति है जिसमें प्रधानमंत्री के दोस्त फसल काटते हैं। हमें तो वो कब राजनीति करनी है? इंडिया तब नंबर वन नहीं बनेगा जब प्रधानमंत्री जी के दोस्त फसल काटेंगे। इंडिया तब नंबर वन बनेगा जब जनता फसल काटेगी। हर राज्य में, हर शहर में ऐसी राजनीति करनी है, उसके लिए हम आज खड़े हुए हैं, उसके लिए राजनीति करने के लिए आए हैं। इन आंखों में वही सपना लेके आए हैं। देखिए फोटो उस तस्वीर में, उन आंखों में आपको वही सपना दिखाई देगा। मैं उनका दोस्त हूं या आप में से कोई उनको दोस्त हो, हमको नंबर वन बनाने के चक्कर में नहीं है, वो पूरे देश को नंबर वन बनाने के चक्कर में है। तो ये आज हम सब लोग मिलकर यहां संकल्प लेके जा रहे हैं। आज का ये संकल्प एक दिन याद रखेगा, और मैं बता दे रहा हूं, मेरे और आपके कहने से किसी दिन नंबर वन नहीं बनेगा। मैं आके यहां मंच पे कह दूं उस दिन नंबर वन नहीं बनेगा। मैं टेस्टिमनी दे रहा हूं आपको। आप में से हिंदी में, मैं हिंदी मीडियम में स्कूल में पढ़ता था, कोई असम में पढ़ता होगा, कोई उड़िया मीडियम में पढ़ता होगा, अंग्रेजी में पढ़े होंगे, लेकिन ये 6वीं 7वीं 8वीं में कहीं कुछ सोशल साइंस की किताब होती है, वहां पर बताया जाता है कि दुनिया में 3 तरह के देश हैं। एक है डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश, एक है डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश, एक है नॉन डेवलप्ड कंट्री, अविकसित देश। उन किताबों में लिखा जाता है कुछ देश हैं जैसे अमेरिका है, जापान है, और कई देशों के नाम लिखते हैं, ये डेवलप्ड कंट्री हैं। भारत जैसे देश डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, और बहुत सारे ज्यादा देश हैं जो अनडेवलप्ड कंट्री में आते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि कल को खड़े होकर किसी मंच से कोई नेता कह दे तो मान लेना कि हमारा देश डेवलप हो गया है, नंबर वन बन गया है, मत मानना।
बोला जब तक हम अपने क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों को यह बताना शुरू नहीं करेंगे कि तीन तरह के देश होते हैं, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अनडेवलप्ड कंट्री, और हमारा देश डेवलपिंग कंट्री से अब डेवलप्ड कंट्री में आ गया है, तब तक हम इंडिया को नंबर वन नहीं मानेंगे। तब तक मेहनत करते रहेंगे, तब तक पसीना बहाते रहेंगे। इस रिजोल्यूशन को आज जो हमने कसम खाई है, जो संकल्प लिया है, इसको सच करने का काम तब तक करते रहेंगे, यही हमारा संकल्प है। आज की तारीख याद रखिएगा, आज का यह संकल्प याद रखिएगा। यह संकल्प एक दिन बच्चों के जीवन में जाएगा, लोगों के जीवन में जाएगा, और वहां से जाते जाते हम अपने बच्चों को पढ़ाया करेंगे कि देश की राजनीति बदल गई, अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लोगों ने पूरा माहौल बदल दिया, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलने लगी, रोजगार मिलने लगे, किसानों को उनकी फसलों के सही दाम मिलने लगे, महंगाई पर कंट्रोल हो गया, रोजगार खूब मिलने लगे, नौकरियां खूब चारों तरफ सरकार में और प्राइवेट मिलने लगी, व्यापारियों के व्यापार फलने फूलने लगे, सबको स्वास्थ्य मिलने लगा, महिलाओं को सुरक्षा मिलने लगी, और हमारा देश नंबर वन हो गया। हमारा देश नंबर वन हो गया, ये हम अपने बच्चों को किताबों में पढ़ाने लगेंगे तब हम नंबर वन मानेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों ने, चारों तरफ देश के कोने कोने से आके जो हमारा सबका हौसला बढ़ाया है, हम सबको ये मान सम्मान दिया है, इतना प्यार दिया है कि बहुत सारे लोगों से मैं खाने के दौरान मिल रहा था, लाइफ में पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन इतना अपनापन, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतनी इज्जत आपने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद। बस यहां से एक ही संकल्प लेके जाना है कि ये जो सपना अरविंद केजरीवाल जी की आंखों में है कि देश को नंबर वन बनाना है, इंडिया को नंबर वन बनाना है, सारी राजनीति उसी के लिए, सारी मेहनत उसी के लिए, सारा पसीना उसी के लिए बहाएंगे, सोएंगे, जाएंगे, मरेंगे, जेल जाएंगे, कुटेंगे, पिटेंगे, इसी के लिए करेंगे कि देश को नंबर वन बनाना है। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।